सो हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो आज के इस वीडियो में हम सारे पेट्स के अपडेट देने वाले हैं, जो कि आपको पता ही है कि हमारे पास बहुत सारे पेट्स हैं। तो उनमें से ये हमारा टीरेक्स भाग गया। तो बहुत सारे पेट्स के बारे में आज अपडेट होने वाला है, ये अपडेट वीडियो है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। यार, हमारे बाहर के पॉन्ड का पानी जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। देखिए कितने सारे फिशेज हैं। मैं सोच रहा था कि अभी फ़िलहाल इसी में से साइकिल करने के लिए फ़िश डाल दूँ हमारे मिनी पॉन्ड में, लेकिन उसके लिए हम नया ही फ़िश टैंक लाएंगे, सॉरी फिशेस लाएंगे। नए फिशेस रहेंगे तो मज़ा आएगा। तो ये रहे हमारे कपी फिशेस। इसकी पानी की लेवल तो बहुत ही नीचे जा चुकी है गाइस। तो मुझे यार इसका पानी जो है वो भरना पड़ेगा, क्योंकि लेवल बहुत ही नीचे जा चुकी है, बहुत ही नीचे। तो खैर, इसमें पानी भर लेंगे सुबह सुबह, क्योंकि अभी पानी नहीं मार सकते, क्योंकि रोड का काम जो है वो चालू है। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि पानी मत मारो, तो इसीलिए हम इसमें पानी बाद में भरेंगे। यार, मैंने एक चीज़ नोट की है, हमारा जो ये प्लांट है नींबू का, वो झुक चुका है। देखिए आप देख सकते हो कि पूरा नीचे झुक चुका है। और यार, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये उखड़ जाएगा। ये देखिए पूरा झुका है, आप देख सकते हो कि यहाँ से ये पूरा झुक गया है। यार, ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है पता नहीं, शायद अभी बीच में बारिश हुई थी तब हुआ है, या फिर फ्रूट्स की वजह से, वेट की वजह से ये झुकने लगा है। इसके आप देख सकते हो बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं इसमें, बहुत सारे नींबू जो है वो इसमें लगे हैं, इसीलिए भी झुक सकता है। तो यार, इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो मैं आपको हमारा पैंथर जो है वो दिखा देता हूँ कि वो क्या कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, और एक चीज़ बहुत बढ़िया है, ये देखिए कितने ज़्यादा लगे हैं यार। पेरू जो है, गवावा इसे कहते हैं, गुआवा, ये देखिए कितने सारे। ये पेड़ की एक खासियत है कि इसमें बहुत ज़्यादा फल लगते हैं, लेकिन इसके फल जो है उसमें कीड़े लगते हैं। तो यार, मेडिसिंस डालनी पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट कीड़े इसके अंदर अंडे ले कर चुके होंगे, तो इसीलिए कुछ नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आप मुझे बताइए कि कुछ क्या हो सकता है क्या अभी, क्योंकि इसमें कीड़े बनते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े बनने लगते हैं, और फिर इसमें हम बाद में थोड़ा भी पकने के बाद इसको खा नहीं पाते। तो अगर आपको कुछ रेमेडी पता होगी तो आप सजेस्ट कीजिए, कोई मेडिसिन पता होगा तो सजेस्ट कीजिए, मैं इसमें यूज़ कर दूँगा। तो यार कितने सारे, देखिए कितने सारे, 40-50 तो आराम से होंगे, बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पूरा पेड़ जो है वो गुआवा से भर चुका है। ये तो देखिए, वाह, ये बहुत बहुत बड़ा हो गया है, वाह वाह। और ये देखिए हमारा पैंथर, पैंथर पैंथर, ये नाराज हो गया शायद, काय झालं काय झालं, ये पूछ भी हिलाने को अभी ये हो रहा है, सोच रहा है मुझे पीनना। ये चलिए, नाराज है नाराज है, आ गया आ गया, ये एक टेला बांध ला मनु, शायद एंजल को अभी इसके साथ नहीं बांधा है, क्योंकि वो कुछ नहीं करती है आंटी को, मेड आंटी जो है उनको कुछ नहीं करती है बस इसको बांधा है। तो खैर, थोड़ी देर बाद ही अभी छोड़ेंगे, क्योंकि उनका काम तो कंप्लीट हो चुका है। बेल्ट भी उसको घूमने के लिए अच्छा खासा बड़ा लगा दिया है, ताकि वो ईजीली यहाँ वहाँ घूम सके और धूप में ना रहे। यहाँ पर धूप भी आती है, तो प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन धूप आती है क्योंकि सन अलग अलग एंगल से निकलता है आता है, तो इसको घूमने के लिए भी जगह रहती है, तो ये आराम से छांव में बैठा रहे। तो चलिए हम बाकी के अपडेट्स लेते हैं। लेकिन यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है, वाह। लेकिन क्या हम इस साल इसको खा पाएंगे या नहीं, पता नहीं। तो गाइस, जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया कि हमारा जो बेबी बर्ड है उसका कलर बहुत ही यूनिक आ रहा है। ये देखिए क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, मेल फीमेल, मुझे तो मेल लग रहा है, लेकिन अभी देखेंगे जब ये पूरा कलर लेगा तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। तो इनका जो खाना है वो मुझे रिफ़िल करना है, इनका भी फोकस कर यार। ये देखिए इनका खाना ख़त्म हो गया है, इनका इनका थोड़ा ख़त्म हो गया है, इनका भी रिफ़िल करना पड़ेगा, इनका तो है, और इनका भी थोड़ा खाना जो है वो रिफ़िल करना पड़ेगा। तो चलिए इनका खाना रिफ़िल कर देते हैं और फिर बाकी के अपडेट्स लेते हैं।
और थोड़ा डालना पड़ेगा। यार इन्होंने तो बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट किया है यार। ये देखिए कितना ज़्यादा खाना वेस्ट किया है इन्होंने। तो यार मैंने इन सब का खाना रिफ़िल कर दिया है, इनका इनका और इनका, लेकिन अभी ये रिफ़िल करना ज़रूरी है क्योंकि खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको मंगवा लूँगा और रिफ़िल कर दूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा टर्टल जो कि कल एस्केप कर गया था, तो क्या हालत है उसकी। यार पानी तो बहुत गंदा हो रखा है यार, मैला हो चुका है। ये देखिए, ये अभी आप देख सकते हो कि कैसे प्रॉपर स्विम कर रहा है। ये देखिए, ये होता है प्रॉपर स्विमिंग। तो जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा टाइम बाद ये अच्छे से स्विम करेगा, ये प्रॉपरली स्विम करेगा और रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि इनके अंदर एयर ट्रैप होती है, इसी वजह से ये स्विम नहीं कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो अभी ये इज़ फिट एंड फाइन, यानी हेल्दी है। और ये देखो, और हमारे फिशेज भी देखिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो देखिए कैसे भाग के आ रहे हैं मेरे पास। तो चलिए इनको फीड करते हैं, देखते हैं ये कैसे आते हैं। तो यार मैं हर टाइम भूलता हूँ कि जो फिश फूड है मैंने बहुत सारा ला के रखा है, लेकिन ये टर्टल फूड ही देता हूँ। तो टर्टल फीड के ऊपर ही फीड करते हैं हमारे फिशेज जो है वो। तो चलिए आज हम इनको जो है वो फिश फूड भी खिलाते हैं। चलिए फिश फूड भी लेके आता हूँ मैं। यार ऐसे तो बहुत सारे डब्बे मेरे पास पड़े हैं फिश फूड के, तो ये भी उठा लेता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था, बहुत सारे ऐसे डब्बे हैं मेरे पास पड़े हुए, तो मैंने बहुत टाइम से फिश फूड फीड नहीं किया। तो चलिए अभी इनको फिश फूड भी फीड करते हैं और हमारे टर्टल को टर्टल फूड भी फीड करते हैं। गाइस देखिए टैपिंग का कितना असर होता है। ये देखिए अभी सारे आ जाएंगे, ये फिश भी देखिए सारे आ रहे हैं मेरे पास। तो यार फोकस करना यार। ये डाल दिया मैंने टर्टल फूड, देखिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यार, कैसे खा रहे हैं। सिमरन तो देखो, और ओ, 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 गिर गया यार, ये गया फिश फूड, बहुत ज़्यादा गिर गया यार। ये देखिए बॉटल ही खुली बॉटल मेरे हाथ से गिर गई, तो ये सब नीचे गिर गया यार। कोई बात नहीं, अंदर सब उड़ के गया। तो देखिए कैसे फीड कर रहे हैं हमारे फिशेज और टर्टल। तो मैं ये तो दिखा रहा हूँ, ये देखिए सारे मौली फिशेज हेल्दी है और इनकी साइज़ इतनी बढ़ चुकी है ना गाइस, बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। इनकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। ये जो वाइट वाला है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो चॉकलेट मॉलीज है और जो ब्लैक मॉलीज है उनकी साइज़ देखिए कितनी बड़ी है। अगर पॉसिबल होता है ना तो मैं कभी ना कभी आपको ये इनको बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा कितनी साइज़ बढ़ चुकी है इनकी। तो ये हम ज़रूर करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इनकी साइज़ कितनी बड़ी है, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े हो गए। जो वाइट वाला है वही छोटा दिख रहा है, बाकी सब बड़े दिख रहे हैं। जितने भी मौली फिशेज हैं सब बड़े दिख रहे हैं, और भी साइज़ बढ़ेगी शायद इनकी। तो इनको खाने देते हैं, और जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो मेल टर्टल है वो हेल्दी है, अच्छा है, टचवुड वो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे जो ये देखिए यार बकेट फिल्टर में जो प्लांट लगाया था वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसमें ये देखिए अभी आपको दिख रहे होंगे श्रिम्प्स, ये देखिए कितने सारे श्रिम्प्स हैं। और भी नीचे है, ये डॉक्टर फिश है नीचे, यहाँ पे स्नेल है। वाह ये देखिए यहाँ पे भी एक श्रिम्प है, फोकस कर यार। ये देखिए नीचे, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यार इसका यही प्रॉब्लम है, हमारे फिशेज जो है वो नहीं दिखता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम मुझे क्या दिखाई दिया, ये देखिए एक बेबी प्लांट है, जो फ्लोटिंग प्लांट है वो है, वो यहाँ पे चिपक के बैठा था। ये देखिए कितना छोटा है, वाह। तो चलिए इनको भी फीड डाल देते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं डालूँगा, बस इतना काफ़ी है, क्योंकि एक फिश है, बाकी स्नेल्स है और हमारे श्रिम्प्स भी है। तो वो देखिए कोने में भी है श्रिम्प, और उसके साइड में बहुत ही बड़ा स्नेल है। तो यार ये दिखते नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो खैर इनको भी खिला दिया है।
यार इसको ढकना है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले ही हमारा जो पॉन्ड है वो धुंधला हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि वो ग्रीन हो जाए, क्योंकि इसको ग्रीन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे गिरना मत, जाली मत तोड़ना, ये देखिए इसके ऊपर गिर गया, जाली तोड़ देगा। तो मैं इसको लगा लेता हूँ अच्छे से। ओके ये लग गया, इसको भी ऊपर रख देता हूँ, नहीं तो ये जाली तोड़ देगा वजन से। ओके डन, तो चलिए अब हम नीचे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा टीरेक्स कहाँ पे है। शायद अंदर गया है। इसके काम देखो, इसका एक भी काम सीधा नहीं है। क्या कर रहा है टीरेक्स वहाँ पे? अबे इतनी सारी जगह है यहाँ पे, ये नीचे नीचे सब, तू ऊपर वहाँ पे क्यों इतना ऐसे बैठा है? यार ये टीरेक्स भी ना कभी नहीं सुधरेगा, तो इसको इसका काम करने देते हैं, इसको इसको एंजॉय करने देते हैं। बाय बाय टीरेक्स, देख सब तुझे मिलने आए, बहुत दिनों के बाद तुझे देख रहे हैं। हाँ तुझे ही, तो चलो उसको क्या कर रहा है वो करने देते हैं, हम भागते हैं। ये देखिए अभी आ गया, ये तब बुला रहा था तब नहीं आया, अब मैं निकल रहा हूँ तो बाहर आए तू। ये देखिए चल चल एंजॉय कर, बाय बाय। इनका केज जो है गाइस वो जल्द ही बनेगा, मैं आपको एक छोटी सी झलक उसकी दे देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% तो रेडी है, तो चलिए मैं आपको उसकी झलक देता हूँ। ये देखिए गाइस हमारा केज, ये तो आधा पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट और बहुत ही यूनिक पार्ट जो है वो नीचे है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसको देखने के लिए। मैं अभी इतना ही दिखा सकता हूँ। यार मैं कब से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसको भरना है लेकिन नहीं भर पा रहा हूँ, तो आज ही मैं इसको भर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में आपको अपडेट आएगा। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे अपडेट देने हैं आपको, तो चलिए बाकी के अपडेट दे देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं अपडेट देता हूँ हमारे सिकली फिश का और हमारे जो एल्गी की खेती है उसका, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस साइड से। ये देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये देखिए बहुत गंदा लग रहा है, मेरा मन भी कर रहा है अभी इसको निकाल दूं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इसको इतना गंदा देखने की, क्योंकि मुझे क्लियर टैंक लगते हैं, मुझे क्लियर टैंक ही अच्छे लगते हैं। जितने फिशेस आपके ऐसे लगेगा कि पानी नहीं है और फ्लोट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पानी की कंडीशन कितनी अच्छी है, और एल्गी की वजह से आप देख सकते हो कि कितना गंदा लग रहा है। ये देखिए क्लीन टैंक, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, वहाँ का पीछे का भी दिख रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है। थोड़ा सा पानी शायद येलो हुआ है, लेकिन ये देखिए कितना क्लियर है। तो यार मेरा मन हो रहा है आप हमारी खेती को ख़त्म कर देंगे, लेकिन देखते हैं अगर वापस मन चेंज हुआ तो इसको रखेंगे या फिर निकाल लेंगे। अब आते हैं हमारे प्यारे ब्यूटीफुल फिशेस के यहाँ पे, जो कि हमारा डॉट और स्पॉट, आप देख सकते हो बहुत ही हेल्दी है, और जैसे मुझे देखते हैं अभी ये ऊपर आते हैं खाना मांगते हैं। फिल्टर अपना काम अच्छे से कर रहा है और क्रिस्टल क्लियर टैंक दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। मैंने अभी तक इसका पानी चेंज नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसका पानी चेंज करूँ, क्योंकि अमोनिया क्लियर पानी में भी होता है, तो कोई चांस नहीं लेना है। तो ये देखिए ये हमारे नन्हे मुन्ने क्यूट से गोल्ड फिश। तो चलिए अभी हमारे दिनेश के टैंक के यहाँ पे जाते हैं। ये देखिए हमारा दिनेश एज ऑलवेज, ये देखिए बहुत ही एक्टिव। वाह भाई दिनेश, इसका मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो फिल्टर है वो निकाल के यहाँ पे हमने जो मॉन्स्टर फिश के लिए टैंक जो है उसके ऊपर जो फिल्टर है वो लगा दूंगा, और मॉन्स्टर फिश के लिए हम बाद में लाएंगे जब फिशेज लाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि आज ही मैं उसको सेट करने वाला हूँ, तो भी मैं ये सब चीज़ें चेंज करूँगा। और ये देखिए हमारे फिशेज, ये है ग्लो फिशेज। जैसे कि मैंने बोला था गाइज, इतने जो फिशेज हैं वो हेल्दी दिख रहे हैं, बाकी वाले फिशेज जो है वो थोड़े बीमार लग रहे थे। तो ये देखिए शायद इसको भी अभी वो बीमारी हो रही है, ये देखिए उसका हम्प जो है वो ऊपर उठ के आया है, तो ऐसे होता है और हमारे फिशेज की जो है वो डेथ होती है। तो यार जो मुझे शॉपकीपर ने बताया था वो भी किया मैंने, लेकिन अभी तो फिलहाल डेथ नहीं है, लेकिन अभी उस फिश की भी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। तो ये रहा हमारा ग्लो फिश टैंक।
अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सबसे फेवरेट, जो कि आप देखते ही आ रहे हो क्योंकि मैंने इन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाए थे डिटेल में। तो ये रहे हमारे नन्हे मुन्ने कहा गए जिगजैग, ये देखिए ये रहा जैग और ये रहा जिग। तो ये देखिए आ गया मेरे पास। तो यार ये टैंक बहुत जल्दी जल्दी गंदा करता है, तो मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में है, मैंने अभी तक फिक्स नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए एक छोटा सा मिनी पॉन्ड बनाओ जो कि बहुत ब्यूटीफुल बनाने का सोच रहा हूँ। तो अभी तक मेरा प्लान नहीं है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा और मेरा तय हो जाता है तो फिर हम उनके लिए मिनी पॉन्ड बनाएंगे। तो ये देखिए ये रहे जिगजैग, इन्होंने एज यूजुअल गंदगी कर दी है। रिसेंट गाड़ी का हवा, तो रिसेंट मैंने इसका पानी चेंज किया था, लेकिन आप देख सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा टैंक है इनके लिए, प्रॉपर है, लेकिन वैसे तो छोटा ही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कॉटन। कॉटन को हम जल्द ही इनके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा कॉटन, ये देखिए ये रहा हमारा कॉटन जो कि बिल्कुल फिट है। अभी उसका आई इन्फेक्शन जो है वो भी क्लियर हो चुका है। इसको बाहर निकालता हूँ, ये देखिए इसका आई इन्फेक्शन भी जो है वो क्लियर हो चुका है, ही इज़ गुड। अब हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे जिगजैग के साथ, और ये अच्छा है। लेकिन मैं बस एक दिन के लिए इसको अंडर ऑब्जर्वेशन और रखूँगा। मुझे पता है कि ये क्लियर हो चुका है, ये फिट है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक दिन के लिए अलग रखूँगा, क्योंकि इन्फेक्शन अगर इसके अंदर नहीं दिख रहा है तो भी थोड़ा थोड़ा होता है, ये पास कर सकता है, इसीलिए मुझे कोई चांस नहीं लेना है। देख सकते हो इसकी आंखें भी, जो राइट साइड की आँख थी वो स्वेल हुई थी, लेकिन वो भी अब ठीक हो चुकी है। एंड हमारा जो कॉटन है वो फिट एंड फाइन है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।